हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो फाइनली आप देख सकते हैं, ये है पल्सर 125 का न्यू कलर, जो कि आपको ब्लैक मैट जो कि ग्रीन का कम्बिनेशन आपको देखने को मिलता है। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है कलर का कम्बिनेशन। अगर आपको ये बाइक पसंद है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि ये कलर आपको कैसा लग रहा है। तो साइड से कुछ लुक आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये आपको 125 सीसी में आपको प्लेन सीट देखने को मिलता है। आप देख सकते हैं इसमें आपको आगे का डिश आप देख सकते हैं, इसमें 125 सीसी का जो बहुत ही स्मूथ बाइक माना जाता है और काफ़ी माइलेजदार बाइक माना जाता है पल्सर 125 में। इसका सीट का कम्बिनेशन आप देख सकते हैं, ये आपको प्लेन सीट में देखने को मिलता है। अदरवाइज आप देख सकते हैं बगल में 125 रखा गया है, उसमें आपको डबल सीट देखने को मिलता है, पर ये आपको प्लेन सीट में आपको देखने को मिलता है। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, ये स्मूथ बाइक माना जाता है 125 के इस सेगमेंट में आपको पल्सर 125 में। इसका कलर का कम्बिनेशन की बात करें तो मुझे तो बहुत ही बेस्ट लग रहा है। इसमें आपको ब्लैक मैट, आपको हल्का सा ग्रीन, इसमें पल्सर में आपको वाइट कलर का लोगो देखने को मिलता है। इसमें काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। और साइड से लुक आप देख सकते हैं, इसका टायर का साइज़ की बात करें तो काफ़ी अच्छा इसमें टायर साइज आपको देखने को मिलता है। इसको 100/90 का आपको टायर साइज, जो कि 17 इंच का आपको टायर साइज ट्यूबलेस टायर आपको देखने को मिलता है। इसमें आपको DTSi इंजन आपको देखने को मिलता है। तो काफ़ी स्मूथ बाइक है और काफ़ी कंफर्टेबल बाइक माना जाता है। अदरवाइज इसमें फैमिली बाइक से माना जाता है 125 में। तो अगर पल्सर आपको लेना है तो आपको फैमिली बाइक चाहिए तो 125 आप ले सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा लग रहा, कमेंट सेक्शन में बताना। तो गाइस यही छोटा सा क्लिप है, क्लिप अच्छा लगा तो लाइक करना, कमेंट करना एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। तो कलर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना।